गोली, बंदूक, हत्याएं और शहादत, बस्तर में ये सब नक्सलवाद की देन है। चार दशक से बस्तर की धरती लगातार लोगों के खून से लाल होती आई है, लेकिन अब बस्तर और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का नाश करने के लिए यहाँ लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया है। सर्व आदिवासी समाज के लोग माओवादी को खत्म करने के प्रति कामयाबी का गीत भी गा रहे हैं। विश्वास हम होंगे कामयाबी के दिन। नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए सरकार और नक्सलियों पर शांति वार्ता का दबाव बना रहे हैं। बस्तर वासियों का कहना है कि अगर शांति नहीं तो यहां वोट नहीं मिलेगा। और हम चाहते हैं कि नक्सली भी अपना जो हिंसा के मार्ग है उसको छोड़े, और शासन भी से हम चाहते हैं कि शासन उनसे वार्ता करे। बीजेपी ने आदिवासियों की इस मांग के बहाने सरकार पर हमला बोला और कहा कि नक्सलवाद पर सरकार की पोल खुल गई है। जिसके शासनकाल में लोग दहशत में हो, उन्हें खौफ सता रहा हो और वो ये तक कहने को मजबूर हो कि जब तक शांति वार्ता नहीं होगी तब तक हम वोट नहीं करेंगे, ये बता रहा है कि कांग्रेस राज में कैसे नक्सलियों का आतंक चल रहा है। और जनता की यह गुहार भूपेश सरकार को कम से कम चुनाव के कुछ महीनों पहले सुन लेनी चाहिए। जबकि राज्य के मुखिया अब भी यह कह रहे हैं कि नक्सली देश के संविधान पर विश्वास करें, हम बात करने को तैयार हैं। बस्तर के निवासी, परंपरागत रूप से रहने वाले आदिवासी, वहाँ के नौजवान, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के पत्रकार, तो जो लोग वहाँ बस्तर में निवास करते हैं, मैं अपने लोगों से बात करूँगा। और जहाँ तक नक्सली से बात करने की बात है, मैं शुरू से हमारा स्टैंड रहा भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे एक लाइन, और उसके बाद किसी मंच में बात करने के हम तैयार हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और नक्सल एक्सपर्ट इसे एक नई शुरुआत बता रहे हैं। वह दोनों पक्षों से बातचीत की दिशा तय करने की बात कह रहे हैं। 4.5 साल पहले आपने ये कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत के गंभीर प्रयास किए जाएंगे, कृपया उसको शुरू कीजिए। माओवादी से वे कह रहे हैं कि कृपया आप भी बातचीत शुरू कीजिए। और बातचीत भारतीय संविधान में जो आदिवासी अधिकार हैं जो लागू ठीक से नहीं हुए हैं उनको लागू करने के लिए बातचीत कीजिए, इससे शांति भी आएगी और आदिवासी जो उनके साथ लड़ रहे हैं उनको अपने अधिकार भी मिलेंगे। चुनावी साल में बस्तरवासियों की इस पहल पर अगर नक्सलियों और सरकार के बीच बातचीत होती है तो छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुके नक्सल समस्या का सदा के लिए अंत हो जाएगा। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।